कोई ऐसी और लड़की ढूंढते हैं, आप तो नहीं आती ना वीडियो में, तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कोई और लड़की ढूंढता हूँ जो सिर्फ अकेली हो, उसका कोई ना वल्ली वारिस हो, कोई ना हो, वो आ जाए फिर वीडियो में, फिर वीडियो बनाते रहेंगे। ये बेस्ट तरीका है। तो जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं इसकी बातें, ये कहती है ये बेस्ट तरीका है, आप और शादी कर लो जिसका कोई वल्ली वारिस ना हो, अकेली हो, उसको ले आओ वीडियो में, उसके साथ वीडियो बनाओ, मैंने वीडियो में नहीं आना। छुट्टियाँ हो गई हैं और हम कितने सालों से कभी गए, कहीं गए भी नहीं हैं, मैं कहीं घुमा फिरवाए घुमा फिरा के ले आऊं। अभी तो घर लेना है, अभी घर लेना है, घर लेंगे जब अपना, उसके बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे। दूसरा अमीना की बात जो है वो भी आप लोगों से बता दिया, आप लोगों से शेयर कर दिया कि उसका जो मसला है वो अमीना की आदत है ना, आकर गले लग जाना ऐसे, कोई भलाई मरे दिए बाला बच्चा को काकू मेरा तो एक बारी मेरा सिर पाड़ दिया। अच्छा, हां इतना लड़ गई मैं, धड़का दिया परे किता ओ मैं कोई ताकर कुहाड़ा मार दिया। हमारा दोपहर का खाना हो गया है रेडी, और ये ले वो देखें इधर पानी पिए जा रहे हैं। अयान साहब जो है खाना खा रहा है, खाना खा रहा है वो भी मुर्गी के साथ। वाह जी वाह, क्या पकाया हुआ है, मुगरी मुगरी, क्या पकाया है, मुगली, हाँ जी मुगली पकाई है, मुगली। हाँ वो लोटी है, देखूं ये लोटी है जी। हाँ ये कैसी रोटी है, रंग बिरंगी, होटल की। अच्छा तूने खाना खा लिया, नहीं अभी खाना, अब आ रहे हो, चलो हो जाओ फिर सीधे। तो जी दोस्तों अब खाते हैं खाना दोपहर का, जिसने खाना है वो आ सकता है हमारे साथ, खा सकता है ऐसे। हाँ जी। क्या? हाँ जी। अच्छा ये आज कहीं जा रहे हो क्या? नहीं। हाँ ये ऐसे ड्रेसिंग बनाई हुई है जैसे शादी पे जा रहे हो, इसने भी देखो गिरा फंसे हुए हैं। तो जी माशाल्लाह से अबू जान भी खाना खा रहे हैं, और दो रोटी बस काफ़ी है। चलो जी ठीक है, टीवी भी चल रही है। ये कैसी जगह है बैठने की, ये कपड़े के ऊपर फिर गिरेगी, फिर निशान बन जाएंगे, गिर जाएगी। खाना खाना है, भूख लगी है। अच्छा छबियाँ बना ली, आज पत्ते जी मोक गए और छबियां जो है अम्मी ने आज इतनी बनाई बे। अच्छा सही सही, चलो जी माशाल्लाह जी अम्मी जान का भी खाना आ गया है। ये क्या आधी, अच्छा नीचे और भी है, बस इतनी रोटी खाओगी आप? एक रोटी खाओगी? वाह जी वाह, सिर्फ एक रोटी खाती है, सारा दिन छबिया बनाती हो फिर भी भूख नहीं लगती क्या? नहीं बैठे बैठे टूटते बंदा तो भूख लगती है। अच्छा बैठे 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 भूख क्यों लगती। अच्छा चलो जी खाए खाए। और अमीना जी आप भी खा रही हो, ये क्या है, बोटी, बोटी है। हाँ जी। अच्छा आज मुर्गी खा रही हो। हाँ जी सही हो गया। ये जी अमीना की बोटी इधर इस साइड पर रखी हुई है, और सीधी बैठो ना, ये कैसे बैठी हो? हाँ हाँ ठीक हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामुअलैकुम, आपके नाक पर क्या हुआ? छोड़ दे छोड़ दे, इसको छोड़ दे, गिर गई थी। अच्छा गिर गई थी, नाक के चुकून हा, बात है चुकून हा। अच्छा जो ढह पई उधर, उधर देखो उधर देखो उधर देखो। हाँ ये जो गिरी है जनाब, ये गिर कर नाक भी फिसवाया, आपको भी यहाँ चोट आई थी?
इसको भी ये देखे, इस जगह पर इसको भी चोट आई, आप उसको भी आई हुई है नाक पर, ये सारा दिन टप्पे मारती हो ना, हाँ। ये बिस्तर में खड़े थे यहाँ पर लगी। अच्छा, अब इसके भी नाक पर ये चोट लगी हुई है। चलो चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी फिट फाट हूँ जी दोस्तों। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ के जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामना अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानी दूर फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। तो जी पहुँचा हूँ मैं घर, और पहले पहले यार मेरा सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत सियात फिट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, आज खुश खुश बैठी हो, खैर तो है। मैं के पुत्र आई कोई नई खबर आन सुने सी। अच्छा खबर, खबर वो इंशाल्लाह वो भी सुना देंगे, अभी तो सुकून चल रहा है खबरों का, अभी लोगों की बातें चल रही हैं, बाकी आपको खुशखबरी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुनाएंगे। बस खुशखबरी ये है कि मेरे ना जुकाम हो गया है, वो भी गर्मियों में, गर्मी में नाक मेरी ना बंद, गला खराब हो गया है गर्मियों के मौसम में, थोड़ी ना गर्मी है, गर्मी, हाँ जी गर्मी है जो देर आएगी तो रात या कभी ठहरा नहीं, हाँ एसी पर उधर तो फिर गर्मी है, गला खराब हो गया, गला खराब हो गया। हाँ जी बाबा, हमें छुट्टियाँ हो गई हैं और हम कितने सालों से कभी गए कहीं गए भी नहीं हैं, मैं कहीं घुमा फिरवाए, घुमा फिरा के ले आऊँ, अभी तो घर लेना है, अभी घर लेना है, घर लेंगे जब अपना, उसके बाद फिर घूमेंगे फिरेंगे। ऐसे पता है क्या, अभी ना अगर हम घूमने फिरने चले गए तो पैसे फिर लगेंगे, पैसे फिर हमारे खर्च हो जाएंगे, फिर हम घर कैसे लेंगे, तो इसलिए हमने पहले ना घर लेना है, उसके बाद फिर घूमना फिरना है, फिर जहाँ दिल करेगा घूमने, छुट्टियाँ ले लेंगे, फिर एक दो दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे। मुझे भी कौन सा छुट्टी होती है, मैं भी तो ड्यूटी पर चला जाता हूँ उधर से, फिर सिर्फ जुम्मा वाले दिन छुट्टी होती है, बाकी दिन छुट्टी मुझे भी नहीं होती, जुमरात जल्दी आ जाऊँ फिर जुम्मा वाले दिन एक दिन छुट्टी होती है, तो फिर आप लोगों को कैसे एक दिन में घुमा आऊँगा। हाँ यही बात है ना, हाँ अंकल बच गई, क्या हुआ था, मैं वहाँ पे बैठी थी तो गेट के अंदर कोई फंसा हुआ था, मैं निकालने लगी पर हमने ना गेट बंद किया था यार। अच्छा ये वाली मोटी हो गई इस जगह, हाँ ये वाली, कोई नहीं ऐसे होता है बड़े शहरों में, मुझे भी लगी है ये, हाँ आपको तो हर वक्त लगती रहती है ना, और इनके काम देखे, ढोल बजा रही हो, ढोल बजा रही हो, एक हाथ तोड़ देती है। और इधर जो है ये लोग अपनी कुकिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गैस का वेट हो रहा है या गैस आ चुका है, नहीं आया, अभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मंगवाने की, वो आ गया है, आ गया है, देखो मैं आया और गैस भी आ गया। आज क्या बन रहा है सावितोरी, ये कल वाली अभी तक पक रही है, हाँ जी कल उधर चले गए थे इसलिए, कल फिर बनाई नहीं। अच्छा अच्छा यूं बात है, क्या अस्सलाम वालेकुम अमीना जी, क्या हाल है, बात सुनो आप सीधी होके खड़ी हो जाओ, मुर्गी खादे से ना, हाँ मुर्गी खादे से वो आपकी, मेरी बात सुनो, चिकन भी आ रही है, हाँ वो सिस्टरें बोल रही थी कि आप दूर होकर बात किया करो, हाँ जी हाँ ऐसे खड़ी होकर बात किया करो, घटी आएगा से घर चला गया था ना, और आपको बोल रहे थे कि अपने दांत भी साफ किया करो, ओ कल बस मरे हम साग मरे हो तो चिट्टे हो गए, नहीं चिट्टे हो, वो कहते हैं अभी खराब हैं, ऐसे ऐसे खड़े होकर, ऐसे खड़े होकर आपने वो करना है दवाई, सिस्टर की तरह दुआ मांगी कर, हाँ दुआ मंगसू पहले ना, घर ले ला बोलता हूँ शादी होगी, घर अपना लोगी और शादी मज़म की होगी, मज़म की शादी करे, सही है। अच्छा अपने दांत साफ किया करो, ठीक है, हाँ जी। रोज टूथ ब्रश किया करो, ठीक है, हाँ जी। वो आपकी जो बहनें हैं वो कहती हैं झप्पी ना पाया करो, झप्पी ना डाला करो, हाँ जी। दूर से बात किया करो, अपने पैसे खत्म हो गए, हाँ खत्म हो गए, ठीक है। तो जी
अमीना की आदत बनी हुई है शुरू से, जैसे ही आओ मतलब मैं तो काम पर होता हूँ, जैसे वापसी आता हूँ तो फिर ये ऐसे ही, जैसे छोटा बच्चा लाड करता है ये उसी तरह लाड करती है। तो आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि यार आप ना इससे ज़्यादा क्लोज ना हुआ करो, ये भी बड़ी है तो है तो स्पेशल पर्सन, इसका माइंड इतना नहीं है इन चीज़ों पर, वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल किया आकर जप्पी लगा ली, जो मतलब के इन चीज़ों में ये अब गौर नहीं करती, इसका दिमाग इतना नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन हम अगर धक्का दें, कोशिश करें इसको दूर करने की, तो फिर बहुत सारे बहन भाई जो है इस चीज़ को गलत समझते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बहन है बेचारी डिसेबल है तो आप उसको धक्के देते हो, दूर करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर इसलिए मैं इसको कुछ नहीं रोकता, ये जैसे जप्पियाँ डालती रहती है, जैसे इसकी आदत मतलब कि बच्चों वाली है, जैसे करती है तो मैं इसे नहीं रोकता। तो अगर रोकूं तो फिर बहन भाई बोलते हैं कि इस बेचारी को आप ऐसा ना डांटा करो और ना ही धक्के दिया करो। तो आप सब बताएं कि मैं क्या करूं। इसलिए फिर मैं आज मैंने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन कल से फिर ये वैसे ही हो जाएगी, फिर वैसे ऐसे करेगी। तो बताएं आप मैं क्या करूं। अमीना, आपकी बहनें बोलती हैं आप ऐसा ना किया करो, इसको नहीं बात सुनो, वो कहते हैं कि आप जप्पी ना पाया करो। एक छोटी बहन है, ये छोटी बहन मेरी तो सुनो, ठीक है, आप सबके लिए दुआ किया करो, वो कहती है कपड़े खेल रहे हैं। हाँ, कपड़े आपके आ गए हैं ना। हाँ जी। आप दुआ करो अपने घर के लिए, सिस्टर से दुआ करनी है अपने घर के लिए, सिस्टर औलाद है जो बीमार है। हाँ। अल्लाह उनको निका दे, जो बीमार है उनको निका दवे। हाँ जी। जो बीमार है उनको सेहत दे, और जो घर वाली जो बीमार है बात सुनो, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, और जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद दे। औलाद दे। हाँ अमीन, और जिनका घर नहीं उनको घर दे। ए ते घर गंदा हो गया, गंदों की सफाई करनी, अपना घर घर लेने। हाँ। तो पेट रखने। हाँ। हमारे बहुत अच्छे रखने। हाँ ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, मुझे ना घर वालों ने बताया है कि आपके लिए एक स्पेशल चीज पड़ी है फ्रिज में, वो खा लो। तो वो देखते हैं क्या पड़ा है। मुड़ब्बा। मुड़ब्बा। मुड़ब्बा क्या होता है वो देखते हैं। मुड़ब्बा, इसके अंदर पानी ये है। तो जी दोस्तों, ये है, ये देखो, ये है मुड़ब्बा, आम का मुड़ब्बा। जैसे पकड़ो, इसको चेक करते हैं ये कैसा है। खट्टा भी है मीठा भी है, आम का मुरब्बा। मेरा ऐसा यही बचा था, आप लोग खाओ उसको भी दो, आप भी खाओ, ये आप लोग खा लो, खट्टा है मुझसे नहीं खाया जाता। इसको सही लगता है। किसको? इसको। फरान अयान को। हाँ अयान शौक से खा रहा है। अलीशबा को भी दो। अम्मी जी, अब बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाँ जी कब आनी है आप, सब पूछते हैं कि आपकी बेगम ने कब आना है वीडियो में, तो वीडियो में भी कब लेकर आओगे, ऐसे ड्रामे कर रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ जी बेगम आ रही है तो वीडियो में कब आनी है वो। मैंने कहा अब क्या करूं, बेगम साहबा वो बैठी हुई है, वो कहती है मैंने आना नहीं, तो फिर अब क्या करें। फिर ऐसा करता हूं मैं, और शादी कर लूं, कोई ऐसी और लड़की ढूंढते हैं, आप तो नहीं आती ना वीडियो में, तो फिर मैं ऐसे करता हूं कोई और लड़की ढूंढता हूं जो सिर्फ अकेली हो, उसका कोई ना वली वारिस हो, कोई ना हो, वो आ जाए फिर वीडियो में, फिर वीडियो बनाते रहेंगे। ये बेस्ट तरीका है वो। फिर आप बोलोगी मेरी नुकरानी आ गई है। नहीं, वो मेरी नुकरानी नहीं होगी, मैं उसकी नुकरानी बनूंगी। क्यों, जो वीडियो बनाएगी इसलिए। जी। तो जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं इसकी बातें, ये कहती है ये बेस्ट तरीका है, आप और शादी कर लो, जिसका कोई वली वारिस ना हो, अकेली हो, उसको ले आओ वीडियो में, उसके साथ वीडियो बनाओ, मैंने वीडियो में नहीं आना। तो आप लोग बोलते हो कि कब आएगी वीडियो में, आप सुन रहे हो अपने, वो बोल ही रही है। हाँ अब नहीं आना ना, आना है, कहती है मैंने नहीं आना, कभी नहीं आना। ये तो पता
हाँ तो अभी इरादा नहीं है। फिर जो बहन भाई पूछते हैं बोलते हैं कि उनको अभी हाँ कब आना है वीडियो, आप ऐसे बोले जा रहे हो बेगम आ रही है, तो वो ऐसे ड्रामे ना करो, बताओ हमें कब आ रही है। तो फिर आप सब ने सुना है, वो बोलती है मैंने नहीं आना, बेस्ट तरीका है कोई और शादी कर लो, कोई और ले आओ जो वीडियो में आए आपके साथ रहे, तो वो फिर बच्चों का कैसे होगा। हाँ वो कहते हैं जैसे मैंने बोला था ना कि सबके फैमिली चैनल हैं, तो फिर अभी मेरा भी फैमिली चैनल बन जाएगा, मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो वो बोलते हैं कि बेगम को ले आओ, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो, तो वो फिर ले आओ। अभी वो मानती नहीं है, वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं आना, तो इसलिए फिर अब फंसा हुआ हूँ दरमियान में कि अब क्या करूँ। तो आप सब बताएं मैं क्या करूँ। उसकी बातें भी सुन ली आपने बेगम की, और अम्मी भी साथ बैठी है, मैंने भी आपको बता दिया कि ऐसे है। बाकी आप सब ने बोला कि वो बेगम को ले आओ, बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा कि ले आओ, तो वो अभी कहती है मैंने नहीं आना, तुम अपनी शादी कर लो। अब बताएं आप लोग मैं क्या करूं। आप सब ने कमेंट्स में बताना है मुझे ज़रूर, और इस टॉपिक पर, और दूसरा अमीना की बात जो है वो भी आप लोगों से बता दिया, आप लोगों से शेयर कर दिया कि उसका जो मसला है वो अमीना की आदत है ना, आकर गले लग जाना ऐसे भी दिमाग दी उतना उतना परे परे के नो जू गले पंदी है। हां वो आया जते बंदा गला पंदी है। हां जी ते उंदी आदत ही बनी हुई तो परे परे के नो जू जू नेड़े नेड़े लगदी है। हां जी क्या करू ता तई तो वो जी दिमाग दी उतना बिल्कुल बिल्कुल दिमाग तो सही होवे ता। हां जी तो वो फिर यही है ना कि वो बेचारी है डिसेबल, यानी डिसेबल वो भाई बोल रहा था कि डिसेबल ना बोला करो, मतलब के वो स्पेशल है, तो इसलिए फिर उसको हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। ये तो अभी वीडियो में ऐसे मेरे साथ ऐसे खुश रहती है, आकर झप्पियाँ वगैरह डालती है, तो जब ये गुस्सा होती है तो फिर अम्मी को भी मारती है, इतना गुस्सा हो जाती है, अम्मी को मारती है, अबू को मारती है, तो फिर वो गुस्सा अगर दिखाऊं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों दिखा रहे हो। तो इसलिए फिर हम उसकी ना जैसे वो करती रहती है उसको नहीं छेड़ते भी, हाँ जैसे दिल करता है वैसे करती रहो, तो इसलिए ये मसला था हमारा। दादी लड़ती है, कोई भलाई मरे दिए बाला बच्चा को काकू, मेरा तो एक बारी मेरा सिर पाड़ दिया। अच्छा हाँ इतना लड़ गई मैं, दड़का दिता परे किता और मैं कोई ताकर कुहाड़ा मार दिता। क्या करूँ होता हूँ कि मैं दड़का दी होता। हाँ जी लड़का सा नहीं दे सकते, बिल्कुल यही बात, प्यार नाल रखे नू प्यार नाल करूँ ता सही रहा दिए, ना तो दड़का दूँ तो जोरी भलाई दिए सब मरे दिए। हाँ जी बड़ा क्या करूँ में पड़ गई, गैस चला गया है तो इसलिए परेशान बैठी। सालन भी नहीं पका ऐसे? हाँ जी। अच्छा आप तो भुलाई हो रही। अच्छा वो आपकी बहन कहती है मैं वीडियो में नहीं आती, आप और शादी कर लो, फिर क्या करूं, कर लूं शादी? वो क्या होता है गाला? बातें हाँ, बातें वो बोल रही है कि मैंने वीडियो नहीं, पहले आप कहती थी मैं भी आवांगी आवांगी, हम सारे जो कहण पै गन भी आ जाए इसलिए ना। वो कहती है कि नहीं आना। हाँ ये बात भी है ऐसे। मैंने मेरी बात सुनो, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं आऊंगी। अच्छा वो कहती है मैंने कभी नहीं बोला। अच्छा चलो आप बताएं क्या चीज़ ये फैमिली वाला ये जो है वीडियो। हाँ वो असल बहन भाई जो है ना वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि हाँ जी आप तो हमारे साथ ड्रामे शुरू कर रहे हैं हमारे साथ। ड्रामे नहीं है अभी, वो वीडियो में बोल दिया है ना उसने। हाँ क्या अभी नहीं आना, मैंने नहीं आना, बस बहन भाइयों तक पैगाम पहुँच गया है, फिलहाल मूड नहीं है, जब होगा तो आ जाएगी। हाँ जी ये भी है। तो जी दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ डॉक्टर के पास, अपने गले की दवाई लेता हूँ, खांसी हो गई और जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इधर से लेते हैं दवाई। भाई जान दे रहा है गोलियाँ गले के लिए, ये है जी डॉक्टर साहब, और इधर से मैं ले रहा हूँ दवाई। तो जी दोस्तों अभी आया था, मैंने कहा शेव बनवा लूँ, मेरे पहुँचते ही बिजली चली गई, और ये लोग देखें बाहर बैठे हुए हैं। हाँ भाई अंधेरे में बनाओगे? डर के जा रहा है आपका शगिर्द, डरता है मुझसे, वो बोलता है मेरी वीडियो ना बनाया करो। तो जी अंधेरा हो गया, इधर देखें लाइट चली गई,
लाइट चली गई तो फिर कल बनवाएंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह से मैं वापस आ गया दवाई लेने गया था फिर ना चौक पर चला गया, उधर से एक गाड़ी आई थी तो जो पलेदार थे उन्होंने बोला कि हाँ जी उतारनी है तो फिर आ जाओ वो उतार लें फिर चले जाना। तो अभी टाइम हुआ है 12 बज गए हैं, 12 बजे वापस आया हूँ, वो अभी उतार कर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई के पैसे माहौल ये बन गया, ये मिले हैं मुझे, ये तो दवाई है ये मिले हैं 300 मेहनत की कमाई, तो 300 मिले हैं। एक ट्रेला था वो उतारे हैं, 6 बंदे थे हम, 300 आया है। तो जो हमारा सीनियर था उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो ठेकेदार उसको बोलते हैं, वो ठेकेदार उसको ज़्यादा मिलते हैं, हमें जो बाकी होते हैं उनको फिर तकसीम कर देते हैं कि इतने पैसे एक एक बंदे के, 350 है मेरे ख्याल में। तो ये बना है, सुबह का माहौल बन जाएगा फिर। अब ना व्लॉग भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, रात का टाइम हो गया है 12 का, बाकी सब सो गए हैं, अभी आया हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।